तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। और विष्णु जी, मैंने आपको अपने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप अपने सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये हमारी एडवांस एक्सेल की दूसरी क्लास है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं होम मेनू बार के अंदर क्लिप बोर्ड, मतलब की कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में, राइट सर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा, मान लीजिए कि यहाँ पे है। अब एक छोटा डेटा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इफेक्ट पता चले कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया और सॉरी यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। यहाँ हम नीचे क्लिक करते हैं और छोटा सा डेटा तैयार करते हैं। रैंक बिटवीन का फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा लगाते हैं अपने क्लासेस में। रैंक बिटवीन क्या करता है, मुझे रैंडम नंबर दे रहा है। रैंक बिटवीन दे दिया 10 to 90, तो 10 to 90 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे दे देगा यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा डेटा हमने आपके सामने बना लिया। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और यहां पे जैसे ही पेस्ट करूंगा क्या होगा, पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होगा। हाँ, डिफरेंस ये है क्योंकि मेरा रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा है। रैन बिटवीन फॉर्मूला जब भी चेंज होता है अपना रिजल्ट चेंज कर लेता है। सेलेक्ट ओटीपी, जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, जैसा है वैसा पेस्ट हो गया फॉर्मूला वगैरह, अर्थी फॉर्मेटिंग वगैरह। बट हमारे पास पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन होता है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि हम इसमें से क्या पेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में मैं यहां फॉर्म ऑल करता हूं, जैसा कॉपी है उसी तरह पेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया और मैं सिलेक्ट कर लिया वैल्यू, तो ये क्या होगा, सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी। मैं कहा फॉर्मूला, तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर फॉर्मूला में यहां पूजा पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पूजा के ऊपर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर क्यों यहां पे शो कर रहा है। बेसिकली फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार के अंदर विजुअल है, जो फॉर्मूला बार के अंदर विजुअल है उसको पेश करता है, चाहे वो फॉर्मूला हो या डेटा हो। यहां देखिए फॉर्मूला आ गया, बट इसकी जो बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग मेरा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज डाउनलोड कर लें। तो अब यहां बात आती है पेस्ट एज ए वैल्यू। अभी हमने आपके सामने पेस्ट एज ए वैल्यू किया। वैल्यू क्या करता है, हर तरह की फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है, हर तरह के फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग को रिमूव करता है। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहां पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल में हमने पेस्ट एज ए वैल्यू ले लिया, तो इसने फॉर्मेटिंग फॉर्मूला सब कुछ रिमूव करके नॉर्मल डेटा एंट्री कर दिया। ये तो हमने अलग किया, लेकिन मुझे अगर सेम पे करना है, मतलब कि मुझे यहां देख रहे फॉर्मूला बाबा चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूं इसकी फॉर्मूला इसके वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, मतलब कि फॉर्मूला डिलीट हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते हैं यहाँ पे कहीं और कॉपी करके पेस्ट करना नहीं चाहता, हम चाहते इसी में मेरा फॉर्मूला रिप्लेस हो जाए, राइट सर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते, हो गया। इसका यूज हम ऑफिस में बहुत करते हैं। क्या ऑफिस में करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। इसके लिए मुझे अभी अपना रिपोर्ट एक ओपन करना पड़ेगा, फिर एक डेटा ओपन कर रहा हूं मैं,
हो रहा है सर, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ डॉन अपडेट कर देता हूँ। हाँ अब ये रिपोर्ट आपके सामने है, मैं इसी रिपोर्ट की बात करता हूँ, ये रिपोर्ट आपके सामने है, तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है राइट। ये फॉर्मूला हमारा कनेक्टेड है हमारे एक डेटा शीट से। यहाँ जो डेटा शीट आप देख रहे हैं, इस डेटा शीट से कनेक्टेड है हमारा। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं रिपोर्ट आपको भेजूंगा तो मुझे इसका डेटा भी आपको भेजना पड़ेगा, समझे, मुझे इसका डेटा भी आपको भेजना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहां पे आती है कि अगर मैंने आपको इसका डेटा भेजा तो दो चीजें हो सकती है, एक तो डेटा हो सकता है सिक्योर डेटा हो, हम नहीं भेज सकते आपको, दूसरा अगर हम डेटा भेजते हैं तो काफी बड़ी फाइल हो जाती है, काफी बड़ी फाइल हो जाती है, तो इसलिए ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि डेटा ना भेजे, तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और एक नई वर्कबुक में इसको मूव कर देते हैं। अब एक नई वर्कबुक में मूव तो हो गया, बट अभी भी मेरा फॉर्मूला से लिंक है, इसकी सारी फॉर्मूला मैं चाहता हूं क्योंकि एक साथ करना, क्योंकि अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगी ना सर, क्योंकि कुछ वैल्यू है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ चार्ट वगैरह भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ वो यहाँ पे ए और वन के बीच में जो यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करें, कॉपी करें और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर दें। अब देखिए सारे फॉर्मूला रिमूव हो गया सर, अब सेव कीजिए, इसको भेज दीजिए, समझ में आया। चलिए अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, मैं फाइल क्लोज करता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहां पे जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास डेटा है, तो इस डेटा की हम जस्ट फॉर्मेटिंग को पेज करना चाहते हैं, राइट क्लिक किया और हमने यहां पे जस्ट फॉर्मेट को क्लिक किया, पेस्ट हो गया सर। मुझे इसमें, हाँ मुझे इसमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हमने यहां पे क्लिक किया, इसने बॉर्डर को पेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, हम लोग क्या अभी देखा होगा रिपोर्ट मेरा कि हमने रिपोर्ट को अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया था, तो इसको अगर हमने डबल क्लिक किया और यहां से इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, छोटे से व्यू में डाल दिया, बट इसको कॉपी करके किसी अनदर लोकेशन में हम ले जाते हैं तो वहां पर ये बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ मुझे प्रॉब्लम होगा दोबारा, मैंने एक पेज पे प्रिंट नहीं आएगा, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसी में आता है कॉलम विड्थ। अब ध्यान रखिएगा जब पेस्ट स्पेशल करते हैं, कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, तो कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। कॉलम डेटा पेस्ट नहीं होता है, सिर्फ कॉलम का ये पेस्ट होता है, विड्थ पेस्ट होता है। लेकिन आप डेटा और विड्थ दोनों पेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो यहाँ पे आइकन होता है, आइकन में यहां दिख रहा है सर आपको, कीप सोर्स कॉलम विड्थ,
सी कीप कॉलम सोर्स विड्थ, समझ गए? इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि डेटा में अगर डेट है, अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डेट डेटा बना लेता हूं मैं, और जिस जिन लोगों ने भी YouTube पे मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, तो मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज इसको डाउनलोड कर ले। अब मेरे पास डेटा है यहाँ पे, इस डेटा को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम फॉर्मेटिंग फॉर्मूला अगर नहीं चाहिए तो हम वैल्यू कर देते। अब मुझे ये बात समझना है कि वैल्यू के या तो नंबर आ गया, तो आखिर ये नंबर है क्या? हमें इस चीज को जानना है कि ये नंबर है क्या। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर जो है ये है आपके जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का डेट, जो डेट डली तब तक का नंबर ऑफ डेज। कंप्यूटर जो डेट स्टोर करता है नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है। जैसे वन दे दिया, इसका मतलब है कि फर्स्ट जैन 1900 में, एक दिन मतलब सिस्टम का फर्स्ट जैन 1900 पहला डेट, दो दिन तो 32 दिन, देखिए मंथ चेंज हो गया, और जैसे आप 368 डाला तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे में 44197 करो तो ये आपका डेट आ जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों? इसके होने के पीछे रीजन ये है कि आप किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट डाल देते हैं तो इसके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते, बट डेट पे तुम कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेट ये आपको दिख रहा है 1 जैन, बट एक्चुअल में स्टोर क्या है, स्टोर है इसका 44197, और कैलकुलेट जो हो रहा है 44197 पे, और रिजल्ट भी वही आ रहा है। लेकिन जब हम इस पे डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो डेट का फॉर्मेटिंग चलता है, ठीक है सर? जब हम कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, वैल्यू कहता है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट ही है तो उसको रिमूव कर देता है। तो यहां भी सेम, अगर आपने वैल्यू यहां पे दिया तो सॉरी वैल्यू दिया तो रिमूव कर देगा, तो वैल्यू के जगह पे आप यहां पे फॉर्मूला के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, एंड वैल्यू के जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी बाकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूले तो नहीं आएगा, बट आपका डेट एंड टाइम और जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, ये जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, सारे फॉर्मेटिंग आपके पास आएगी, समझ गए? अगर ये ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए वीडियो को। आगे बढ़े सर इसमें। अब जो है हमने बात कर ली पेस्ट पेस्ट की, अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल मार्क लीजिए। अब आपके लिए यहां पे काम है सर, जैसे हमने यहां पे 20 दिया, यहां पे 30 दिया, राइट? 20 को कॉपी किया और यहां 30 पे पेस्ट कर दिया, नॉर्मल पेस्ट कर दिया, तो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस में बाय डिफॉल्ट नन सिलेक्ट होता है। इस पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूं तो अब क्या होगा, ये ऐड होगा, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, जी जी हाँ जी हाँ। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे 50 आ जाएगा, आ गया ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे एक उठ के आता है कि इसका यूज क्या करेंगे, ऑफिस में यूज क्या है। तो अभी आपको क्या करना है, बैठ के
बाकी फीचर्स को प्रैक्टिस करना, और इसके तकरीबन दो एग्जांपल बताने हैं कि ये ऑपरेशन का आखिर हम यूज क्या करें। ठीक है, जस्ट टू एग्जांपल। तो बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम अगली क्लास में आपके साथ इस पे डिस्कस करेंगे आगे, एडवांस बेस्ड स्पेशल। तो दोस्तों सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने यहां तक मेरी वीडियो को देखा। ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियोस थी। आप हमारे साथ लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और लाइव क्लासेस का डेमो क्लास का फॉर्म भर दें, या फिर मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे जाइए, आपको मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।